आशा है, उम्मीद ना कोई आशा है, अब चारों ओर निराशा है, अब चारों ओर निराशा है। बर्बाद तुम्हें कर देगा, बर्बाद तुम्हें कर देगा, नशे की अब परिभाषा है, नशे की अब परिभाषा है। परम सम्मान्य निर्णायक मंडल के सदस्यगण, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए अध्यापकगण व छात्रगण, मैं आज आप लोगों के समक्ष खड़ा होकर भारत देश में नशे के बढ़ते दुष्परिणाम इस विषय में अपने विचार आप सभी के सामने प्रकट करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप मेरी गलतियों पर ध्यान न देते हुए आप मुझे आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करेंगे। भारत में युवाओं की जनसंख्या अन्य किसी भी देश से अधिक है, जिस कारण भारत को अभी युवाओं का देश कहा जा रहा है। आज अनेक मंचों पर भारत को विश्व गुरु बनाने की बात सरलता से सुनाई दी जाती है, परंतु सच्चाई ये है कि भारत के युवा आज दिन प्रतिदिन नशे के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। पंजाब से ऐसे अनेक खबरें आती हैं कि कुछ घरों की नशे की लत में खत्म हो चुकी है, उन घरों में बची तो है सिर्फ अंधकार। युवा वर्ग की पहली सीढ़ी अत्यंत आवश्यक होती है। इस समय घर वालों को बच्चों की संगति पर नजर रखना अत्यंत जरूरी है। इस उम्र में बच्चों का एक समूह होता है और प्रत्येक बच्चा समूह में खुद को स्थापित करने या बनाए रखने के लिए अन्य सदस्यों के दबाव में आकर उसके अनुसार व्यवहार करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसा समूह होगा उसका प्रभाव बच्चे की सोच, बच्चे की खानपान पर भी पड़ता है। संगति नशाखोरी के कारणों में एक मुख्य कारण कहा जा सकता है। वक्त रहते जो ना जागे तुम तो अनर्थ हो जाएगा, नशे की नशे तो तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। नशे की अधिकता से मरने वालों की संख्या में पंजाब सबसे आगे है। नशा कई प्रकार का होता है जिसमें गांजा, हेरोइन, कोकीन, चरस मुख्य है। नशा एक ऐसी आदत है जो किसी इंसान को पड़ जाए तो उसे दीमक की तरह अंदर ही अंदर ठोकरा बना देती है, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से बर्बाद कर देती है। जहरीली और नशीली पदार्थों का सेवन इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। आजकल नशे के अधिक छोटे बच्चे भी हो रहे हैं, युवाओं के साथ साथ बड़े बुजुर्ग भी इसकी गिरफ्त में है, लेकिन सबसे अधिक यह युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है। युवा पीढ़ी के अंदर सिर्फ लड़के ही नहीं लड़कियां भी आती है। नशा करने वालों की दर देश समाज के लिए बोझ बन जाता है। आज नशे के पदार्थ आसानी से मिल जाते हैं, प्रत्येक गांव में या अधिकतर गांव में शराब की दुकान जरूर मिल जाती है। आज बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गई है, जिससे युवाओं में हताशा भी बहुत बढ़ गई है। इस हताशा के कारण भी युवा गलत खाते से पैसा कमाने लगते हैं। आज समाज को इन मुद्दों पर प्रयास करने की जरूरत है। आज से कुछ साल पहले की बात है कि बच्चे पहले तंबाकू का पैकेट लाने के लिए भी डरते थे, उन्हें डर जाता था अगर यह किसी ने देखा तो इसके लिए उन्हें सजा मिलेगी। परंतु आज अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि घर में लोग अपने बच्चों के सामने ही तंबाकू या शराब का प्रयोग सहजता से करते हैं। आज घरों में बियर या शराब की बोतलें रखी जाती है, बड़ों के लापरवाही के कारण भी बच्चों में इसकी लत पड़ी। जिंदगी के उलझे सवालों के जवाब ढूंढता हूँ, जिंदगी के उलझे सवालों के जवाब ढूंढता हूँ, कर सके जो दर्द कम वो नशा ढूंढता हूँ। वक्त से मजबूर हालात से लाचार मैं जो दे दे जीने का बहाना ऐसी राह ढूंढता हूँ। हमारी समाज एवं युवाओं में साहित्य सिनेमा का व्यापक प्रभाव पड़ता है। आज अनेक गाने, फिल्मों, नाटकों में नशे के सेवन को दिखाया जाता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव समाज पर पड़ता है। सिनेमा दुनिया के सितारे अतः युवाओं के एक बड़े वर्ग के रोल मॉडल है। युवा अपने रोल मॉडल के अनुसार ही व्यवहार करने का प्रयास करती है, उनको उत्तर भारत के पीछे की काली दुनिया का ज्ञान नहीं होता। वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को एक गांव की तरह बना दिया।
जिस प्रकार गांव में सभी लोग अपने विचारों का आदान प्रदान सरलता से कर सकते हैं, उसी प्रकार वैश्वीकरण से जहां वस्तुओं का आदान प्रदान तो संभव हुआ ही है, साथ ही विचारों का आदान प्रदान भी संभव हुआ है। जो सत्य है कि जब किसी देश से व्यापार किया जाता है तो उसकी सांस्कृतिक आदान प्रदान भी अवश्य होता है। 90 के दशक के बाद हमारी संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भी पड़ने लगा है। क्या हमारी संस्कृति संयम सादा जीवन कुछ विचारों को प्रतिनिधित्व करती है, वही पश्चिमी संस्कृति उपभोक्तावाद मौज मस्ती आदि मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है। आज अधिकतर भारत के युवा के दिमाग में यह है कि आधुनिकता का सीधा संबंध पश्चिमी विचारों को ग्रहण करने से है, जिससे उनकी संकुचित भी उन्हें नशे की ओर आकर्षित करती है। तो अंत में मैं ज्यादा ना कहता हुआ बस यही कहूंगा कि रोग तो नशे के दरिया में बहते पानी को, रोग तो नशे के दरिया में बहते पानी को, अभी वक्त है बचालो देश की जवानी को, अभी वक्त है बचालो देश की जवानी को। धन्यवाद। जय माता दी।